हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और चैप्टर नंबर 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वायुमंडल में जल, यानी कि जो वाटर इन एटमोस्फियर। देखिए दोस्तों, जल जो होता है, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर किसी भी जीव के लिए वायु के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो जल आता है। यानी कि अपन ने पिछले लेसन में भी पढ़ा कि हम जल पिए बगैर कुछ समय तक रह सकते हैं, कुछ घंटों तक रह सकते हैं, वायु के बगैर हम कुछ मिनटों तक रह सकते हैं, है ना। तो वायु के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण जो नेसेसरी चीज़ है वो क्या आती है, आपका जल। दोस्तों, जल जो होता है वो महासागरों में भी होता है, महाद्वीपों में भी होता है और वायुमंडल में भी होता है। यानी कि जल का जो विचरण है वायुमंडल से महाद्वीप, महाद्वीप से महासागर, महासागर से वायुमंडल, इस तरीके से सर्कल के रूप में जल चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। अब अपन आज का जो वीडियो होगा, इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल है उसमें जल की किस कौन कौन सी क्रियाविधि रहती है, जल में वो किस रूप में रहता है, और जब वायुमंडल से धरातल पर वो पहुँचता है तो उसमें कौन कौन सी क्रियाविधि करता है। ऐसे ही महासागरों से जब वायुमंडल में पहुंचता है तो वो कौन कौन सी क्रियाविधि करता है। पहले बात तो ये कि जल जो है वो तीनों रूपों में रहता है, ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था में। यानी कि जल गैसीय अवस्था में भी, ठोस अवस्था में भी और द्रव्य अवस्था में भी रहता है। जब महासागरों से जल भाप बनकर, यानी कि वाष्प बनकर जब वायुमंडल में जाता है, तब वो कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। फिर वायुमंडल में संघनन के कारण वो द्रव्य अवस्था में आ जाता है। कभी कभार टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाने की वजह से वो डायरेक्ट ठोस अवस्था में भी आ जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो वायुमंडल में जो जल होता है वाष्प के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाला जल जो वाष्प के रूप में होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। ये आर्द्रता दो प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, ये समझते हैं। सापेक्ष आर्द्रता होती है दोस्तों वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, और उसके अनुपात में क्या आर्द्रता। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई वायु है, अब अपने को ये पता है कि वायु आर्द्रता कब ग्रहण करेगी, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि जब तापमान बढ़ेगा तो वायु आर्द्रता ग्रहण करने की उसकी क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वायु है ना, तो वायु जो उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, और 28 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु आर्द्रता ग्रहण करती है उसकी क्षमता होती है 3%, है ना। कितने प्रतिशत, 3%। लेकिन इस वायु ने जो है 2.5% आर्द्रता ग्रहण कर रखी है, पूरी 3% आर्द्रता ग्रहण नहीं कर रखी, है ना। तो वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और उसमें उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा, दोनों के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा, यानी कि इसमें क्या देखा जाता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कितनी उपलब्ध है, उसकी वास्तविक मात्रा ही क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये आर्द्रता के दो रूप थे, सापेक्ष आर्द्रता जिसमें वायु के आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और उपस्थित आर्द्रता, दोनों के बीच के अनुपात को देखा जाता है, और निरपेक्ष आर्द्रता में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को देखा जाता है। आगे आता है संतृप्त वायु। पहले एक बार अपन ये देख लेते हैं, जो आर्द्रता है, पिछले अध्याय में अपन ने देखा था कि वायु में जो आर्द्रता होती है उसका आयतन होता है 0 से 4%। कितना होता है, 0 से 4%। यानी कि महासागरों के ऊपर आर्द्रता ज़्यादा होती है, महाद्वीपों के ऊपर कम होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में आर्द्रता ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे आर्द्रता की मात्रा घटती जाएगी। दोस्तों, आर्द्रता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि तापमान विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। दूसरा, मैंने कहा कि यह महाद्वीपों की तुलना में महासागरों में अधिक होती है, तो महाद्वीपों की तुलना में महासागरों में अधिक इसलिए होती है क्योंकि महासागरों में उसे जल मिल जाता है जो वाष्प में बदलकर आर्द्रता को बढ़ा देता है।
यहाँ तक क्लियर है। संतृप्त वायु किसे कहते हैं? संतृप्त वायु, देखिए दोस्तों 28 डिग्री टेम्परेचर था, 28 डिग्री टेम्परेचर में 3% आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, और इसमें आर्द्रता कितनी थी 2.5, है ना। तो इसके बीच के अनुपात को अपन ने क्या कहा था, सापेक्ष आर्द्रता। लेकिन इस वायु में अगर 3% आर्द्रता हो जाए, यानी कि जितना उस वायु का टेम्परेचर है और उस वायु के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस वायु में कितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप अगर उसमें आर्द्रता आ जाए तो उसे हम कहते हैं संतृप्त वायु। यानी कि इस वायु में इस तापमान पर और अधिक आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती, यानी कि ये वायु इस टेम्परेचर पर और आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती। तो फिर आर्द्रता और कब ग्रहण कर सकती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो वो आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। तो ऐसी वायु जो पूरी तरीके से संतृप्त हो जाए, यानी कि दिए गए तापमान पर अब वो और आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती, तो उसे हम संतृप्त वायु कहते हैं, पूरित वायु कहते हैं। ओशांक क्या होता है दोस्तों? ओशांक का मतलब होता है दिए गए टेम्परेचर पर, दिए गए टेम्परेचर पर जो वायु है वो पूरी तरीके से संतृप्त हो तो वो फिर किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, उसे हम ओशांक बिंदु कह देते हैं। यानी कि जो अपने संतृप्त वायु देखी, ठीक वही क्या होता है, ओशांक बिंदु होता है टेम्परेचर का। ठीक है, आगे चलते हैं वाष्पीकरण। अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, वाष्पीकरण और संघनन पढ़ेंगे अपन। तो वाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण होता है महासागरों से, नदियों से, झीलों से, इसके अलावा पेड़ पौधों के द्वारा, इनके द्वारा जल जब इवेपोरेट होता है, जब वाष्प में बदलकर ऊपर की ओर वायुमंडल में जाता है, तो वही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और ये वाष्पीकरण किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विषुवत रेखा पर आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। तो वाष्पीकरण की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो गुप्त ऊष्मा होती है कि जो जो वाष्प बन रहा है, जल, जल जो गैस की अवस्था में आ रहा है, जिसमें इस्तेमाल किया गया जो ऊष्मा है, जो ताप है, उसे हम संघन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। किसे कहेंगे? कि जब जब तापमान की वजह से जो वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है, वाष्प बन रही है, वही क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। दूसरा और वाष्पीकरण में क्या सहायक होता है? हवा। एक तो तापमान होता है, दूसरा क्या होता है, हवा। हवा किस तरीके से सहायक होती है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर महासागर है, यहाँ पर महासागर है, टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा तो यहाँ पर क्लाउड्स बने, बादल बने, यानी कि यहाँ से जलवाप ऊपर की ओर चला गया। लेकिन ये जो यहाँ पर वायु है, ये कैसी है, संतृप्त वायु है, यानी कि पूरी तरीके से पूरित है। अब इस टेम्परेचर पर ये वायु और ग्रहण आर्द्रता नहीं कर सकती। लेकिन अगर हवा चलती है तो इन बादलों को यहाँ से धकेल देती है और यहाँ पर एक दूसरी हवा आ जाती है, जो कैसी होती है, असंतृप्त हवा होती है, यानी कि उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे हम असंतृप्त वायु कहेंगे। और इसकी जगह अगर असंतृप्त वायु आ जाएगी तो वो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रखेगी और इससे वाष्पीकरण होगा। समझ रहे हो आप लोग? अगर यहाँ पर संतृप्त वायु ही रुकी रहती है तो वो आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती, जिससे वाष्पीकरण नहीं होगा। तो ये हो गया वाष्पीकरण। अब संघनन देखो, जब फिर यहाँ से वाष्प बन के ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर घटता है। धरातल से ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब तो वाष्पीकरण होता है, और जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो फिर क्या होता है, फिर संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। यानी कि जो ये वाष्प है ये वापस बूंदों में कन्वर्ट होना, जल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वाष्प का बूंदों में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब ये जो संघनन होता है ये होता किन, इसके केंद्र क्या होते हैं, किन के ऊपर ये जमा होता है? तो दोस्तों जब ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारा राख, धूल, धुआं ये वायुमंडल में चले जाते हैं। इसके अलावा समुद्री नमक या फिर आंधी तूफान चलने से धूल के कण ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं। अब ये वो जो वायुमंडल में जो ये धूल के कण, धुआं, नमक, राख, ये जो है ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं, यानी कि उस आर्द्रता को ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो आर्द्रता ग्रहण करने वाले जो केंद्रक होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संघनन केंद्र कहते हैं। और ये संघनन केंद्र होते क्या हैं, धूल, धुआं, राख वगैरह होते हैं, जो वायु को अपनी ओर लपेट लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अगर यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए,
यानी कि जो ये उष्मा है, ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प जल में कन्वर्ट ना होके ठोस हिम कणों में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। याद रखना है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। अब ये कंडेंसेशन जो होगा, यानी कि जो वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेट हुआ, वो आपको पता है क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आई, और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ही उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया को उसने दोहराया। फिर उस वाष्प से वापस कंडेंसेशन हुआ, वापस जल बना, तो उसके लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए। तो पहली दशाएं सीधा सा आपने कहा कि सर उसमें टेम्परेचर घट जाना चाहिए, है ना। तो एक तो हवा का आयतन नियत हो और तापमान गिर जाए, या फिर हवा का आयतन का मतलब जिसमें जलवाष्प क्या हो, नियत हो, संपूरित हो, इसके अलावा टेम्परेचर घट जाए, या फिर टेम्परेचर भी घट जाए और आयतन भी घट जाए, दोनों घट जाए, तो भी इस प्रकार का काम होगा। इसके अलावा तापमान में वायु की आर्द्रता और ज्यादा भर देना, यानी कि वायु में जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसमें और ज्यादा आर्द्रता पहुंचा देना, इससे भी क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी कि संघनन की क्रिया होगी। तो संघनन की क्रिया किस वजह से होती है? तापमान के मुख्य रूप से गिर जाने से, मुख्य रूप से क्या होगा, तापमान की कमी होने से। क्योंकि जलवाष्प जब ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है, ये अपने को पता है। टेम्परेचर कितना घटता है? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है औसतन रूप से। तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ये जलवाष्प वापस किस में कन्वर्ट होगा, जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा, है ना, जिससे बादल बनेंगे। अब देखिए आप संघनन के रूप, अब ये जो संघनन होता है, यानी कि वाष्प वापस बूंदों में कन्वर्ट होता है, इसके रूप क्या क्या है। एक तो ये ओस के रूप में, एक तुषार के रूप में, एक कोहरा या कुहासा के रूप में, और एक बादलों के रूप में कन्वर्ट होता है। किस किस रूप में होता है? ओस के रूप में, तुषार के रूप में, कोहरा या कुहासा के रूप में, और बादलों के रूप में। ओस क्या होती है दोस्तों? ओस होती है, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि अपन सुबह जब उठते हैं तो बाहर जो घास वगैरह, जो पेड़ की पत्तियां होती है, वहां पर जल की बूंदें जमा हुई रहती है। अब ये जल की बूंदें यहाँ पर सर्दियों में क्यों जमा हुई दोस्तों? क्योंकि रातें लंबी थी, हवा शांत थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। जो ऊपर जलवाष्प होता है, जो कंडेंसेशन होता है, वो जलवाष्प से नीचे की ओर आ गया, क्योंकि धरातल के पास में टेम्परेचर गिर गया, और टेम्परेचर गिरने की वजह से जलवाष्प से नीचे की ओर आया, और फिर वो जल की बूंदों के रूप में ठोस पदार्थों पर, यानी कि चट्टानों, मिट्टी या फिर घास, पेड़ की पत्तियों, इन पर जमा हो गया। उसे हमने क्या कहा? ओस। ओस कब होगी? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर गिर तो जाएगा, लेकिन इतना भी ना गिर जाए कि वो बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाए, बूंदों में अगर रहेगा तो उसे हम ओस कहेंगे। अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और ठीक वैसे ही सिचुएशन रहती है, यानी कि तापमान गिर जाए, 0 डिग्री से नीचे चला जाए, हवाएं शांत हो, लंबी रातें हो, तो फिर क्या होता है, तुषार बनता है। अगर 0 डिग्री से नीचे होता है तो तुषार या पाला बनता है, और 0 डिग्री से ऊपर होता है तो ओस बनती है। अब कोहरा या कुहासा क्या होता है दोस्तों? जब टेम्परेचर गिर जाता है, तो टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होता है, जो जलवाष्प ऊपर होता है वो धरातल के पास में आ जाता है, जिससे कोहरे का निर्माण या कुहासे का निर्माण होता है। कोहरे और कुहासे का निर्माण हमारी क्या करता है, दृश्यता को समाप्त कर देता है। यानी कि आपने सर्दियों में देखा होगा, जो धुंध आ जाती है, फोग आ जाती है, उससे हमें देखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, लाइट भी वहाँ पर काम नहीं करती। अंतर दोनों में इतना है कि कुहासा जो होता है वो पर्वतों पर बनता है, और कोहरा सामान्य क्षेत्रों पर बनता है। कुहासे में आर्द्रता अधिक होती है, कोहरे में आर्द्रता कम होती है, यानी कि कोहरा शुष्क होता है जबकि कुहासा आर्द्र होता है। अधिकांश जो कोहरा बनता है वो शहरी क्षेत्रों में भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में केंद्रक ज़्यादा होते हैं, धूल धुआं वगैरह ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर संघनन केंद्रक ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोहरे का निर्माण होता है। और जब कोहरे के साथ धुआं मिल जाए, क्या मिल जाए, धुआं मिल जाती है, तो धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। कौन से कोहरे का? धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। और ये धूम्र कोहरे का निर्माण कहाँ होता है? शहरों में। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं बादलों की ओर। बादल भी बनते हैं दोस्तों संघनन में। बादल कौन कौन से? पक्षाभ, कपासी, संस्त्री और वर्षामेघ। यानी कि सबसे नीचे जो होते हैं, धरातल के पास में होते हैं, वो वर्षामेघ होते हैं। उनसे ऊपर वाले जो संस्त्री मेघ होते हैं, उससे ऊपर कपासी, और सबसे ऊपर पक्षाभ मेघ होते हैं। पक्षाभ मेघ कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ होते हैं। ये मेघ पक्षी के पंख के समान होते हैं,
किसके समान होते हैं? पंख के समान बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर इन पक्षाभ मेघों से नीचे आते हैं कपासी मेघ, जो कपास के समान यानी कि रुई के समान हमें दिखाई देते हैं। और फिर उसके नीचे आते हैं संस्त्री मेघ, संस्त्री मेघ जिनका आधार क्या होता है, सॉरी कपासी मेघ जो होते हैं उनका आधार जो होता है वो चपटा होता है, यानी कि नीचे से समतल होते हैं। संस्त्री मेघ परतनुमा होते हैं, यानी कि अलग अलग परतों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और वर्षा मेघ जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, जो गहरे काले या फिर स्लेटी रंग के होते हैं, या तो काले रंग के या फिर गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं और वर्षा जो सूर्य की किरणें हैं उनके लिए अपारदर्शी होते हैं। यानी कि कभी कभार बादल आ जाने से धरातल पर जो छाया हो जाती है ना, वो छाया किससे होती है? वर्षा मेघों से। क्लियर है? इनकी ऊंचाई के आधार पर ये चारों बादल मिलकर और अन्य बादलों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए संस्त्री मेघ है, यानी कि परतनुमा मेघ है, और ये टॉप में बन रहे हैं, है ना, तो फिर वो कौन से हो जाएंगे? संस्त्री पक्षाभ हो जाएंगे। ऐसे ही कपासी मेघ ऊपर बन रहे हैं, यानी कि जिनका आधार तल समतल है और फूल के समान दिखाई दे रहे हैं, और वो ऊपर इस हाइट पर बन जाते हैं, तो उन्हें पक्षाभ कपासी कहेंगे। ऐसे ही जो मध्य में बनेंगे तो संस्त्री मध्य और कपासी मध्य, और जो नीचे बनेंगे उनमें संस्त्री कपासी और कपासी वर्षा और संस्त्री वर्षा, कपासी वर्षा और संस्त्री वर्षा। इस तरीके से ये चारों बादल मिलकर और कुछ उप प्रकारों के नाम, कुछ उप प्रकारों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों संगणन में क्या क्या बना? ओस बना, तुषार बनी, कोहरा बना, कुहासा बना और बादल बने। और बादल बनने से क्या होगा? फिर वर्षा होगी। क्लियर है? आगे अब अपन देखते हैं जो वर्षा है वो किस किस रूप में होती है और कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होती है, यानी कि वर्षण के बारे में, प्रिसिपिटेशन के बारे में अगर अपन आगे अपन अब देखते हैं। हम प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण, यानी कि जब कंडेंसेशन होता है, यानी कि जलवाष्प से जब बूंदों में या फिर हिमतुलों में या फिर ठोस कणों में कन्वर्ट होता है, तो फिर प्रिसिपिटेशन की क्रिया होती है, क्योंकि अब ये हवा में नहीं रुक सकता। अब पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण, इनमें भार बढ़ जाने के कारण ग्रेविटी फोर्स काम करेगी और इनको धरातल की ओर खींच लेगी, और जब ये वायुमंडल से धरातल की ओर आएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे, प्रिसिपिटेशन कहेंगे। अब ये वायुमंडल से धरातल की ओर जब आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। एक पानी के रूप में आते हैं जिसे हम वर्षा कहते हैं। जब ये जल के रूप में आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। अगर ये हिम के रूप में आते हैं, यानी कि सहिम, यानी कि जल और हिम, हिम जो फोग होती है यानी कि जो आइस होती है, उस रूप में आते हैं तो उसे हम सहिम या कर्कापात कहेंगे। ओलापत्र क्या होता है? ओलापत्र का मतलब होता है, जिसे हम अपनी भाषा में गड़े बोलते हैं, गड़े, ठोस कणों के रूप में अगर आती है तो वो ओलापत्र होते हैं। फिर हिम क्या होता है दोस्तों? ओला अलग हो गया, हिम अलग हो गया, है ना। तो हिम होता है दोस्तों जो बर्फ का ऐसा रूप जो बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, है ना, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आइस फ्लो होती है ना, आइस, तो वो क्या होती है? हिम होती है। ओलापत्र क्या होते हैं? जो ठोस कण होते हैं वो ओलापत्र होते हैं। अब बात करते हैं अपन वर्षा के प्रकार की। वर्षा दोस्तों तीन प्रकारों से होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कौन सी होती है? जब महासागरों से जल वाष्प होकर ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उठने के बाद में जब ये टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन होता है और फिर वापस ये बूंदों के रूप में जब नीचे आ जाता है तो उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। और ऐसा होता है 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में। यहाँ पर रोजाना दोपहर बाद में बारिश होती है। बड़ी अजीब बात है ना, रोजाना दोपहर बाद में बारिश होती है 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में, और इसको हम क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं, जो मुख्य रूप से जो विषुवत रेखीय जो प्रदेश है वहाँ पर इस प्रकार की वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जैसे यहाँ से कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुई, ये बादल यहाँ पर बन गए। अब बादल यहीं पर अगर बरस जाते हैं तो वो संवहनीय वर्षा हो गई, लेकिन इन बादलों को हवा ने धकेल दिया, और हवा के धकेल देने के बाद में आगे पर्वत आए, और पर्वत जब ये बादल यहाँ पहुँचे तो इनको मजबूरन ऊपर की ओर उठना पड़ा, क्योंकि आगे पर्वत आ गए, है ना। तो जब ये ऊपर की ओर उठे तो यहाँ पर आने पर इनका टेम्परेचर घट गया, और टेम्परेचर घटने की वजह से ये यहाँ पर बारिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बारिश होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। अब जब ये हवा यहाँ पर थी तो इसमें आर्द्रता थी, लेकिन यहाँ पर बरसने के बाद में इसमें आर्द्रता कम हो गई और दूसरे क्षेत्र में उतरती है नीचे, यानी कि उस पर्वत के दूसरे भाग में उतरती है। इसे हम कहते हैं प्रतिपवन क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रतिपवन क्षेत्र। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं करती, इसे प्रतिपवन क्षेत्र और वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र,
रेन शैडो जोन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर बारिश नहीं होती और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि पवनी यहाँ पर बरसने के बाद में क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। इसके अलावा रुद्धोष्म क्रिया के द्वारा ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और यहाँ पर बारिश नहीं कर पाती। अगर हम भारत के पश्चिमी घाट में देखें तो पश्चिमी घाट के इधर पश्चिमी साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उस पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा में सूखा की स्थिति रहती है, यानी बहुत कम बारिश हो पाती है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है, जिसको अपन पीछे चैप्टर में पढ़े थे, यानी कि वाताग्र बनते हैं, वाताग्र बनने के बाद में चक्रवात बनते हैं और वो वर्षा करते हैं। तो चक्रवाती वर्षा को अगर आपको डिटेल से जानना है तो पीछे वाला चैप्टर देखें। आगे देखते हैं वर्षा में, विश्व में वर्षा का वितरण, कि विश्व में कहाँ कहाँ पर वर्षा का वितरण किस किस तरीके से है। तो कुछ बिंदु आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है, 0 से 4%। आर्द्रता का आयतन कितना होता है हवा में, 0 से 4। अब ये ध्रुवों से, सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। विषुवत रेखा से, इसको मैं बता देता हूँ आपको डिटेल से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है। कम होती क्यों जाती है, क्योंकि ध्रुवों की ओर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पर जो वेपोरेट है, यानी कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर आर्द्रता की मात्रा कम होती है। ये 0 डिग्री है, तो आर्द्रता सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, आर्द्रता सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी, यानी कि ध्रुवों की ओर जाते हुए बारिश की मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है। विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं इसमें वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दूसरा क्या है, महाद्वीपों से महासागरों पर अधिक वर्षा होती है। मैंने कहा था कि आर्द्रता एक तो ध्रुवों की तरफ जाते हुए घट जाती है, दूसरा मैंने ये भी कहा था कि महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है। तो महाद्वीपों पर आर्द्रता कम होती है जबकि महासागरों पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है, बारिश भी महाद्वीपों पर कम और महासागरों पर ज़्यादा होती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 35 से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा होती है। पूर्वी तटों पर क्यों वर्षा होती है, अपन ने देखा था कि विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, इसको भरने के लिए उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से पवनें आती है, जो पूर्वी दिशा से यहाँ पर आती है। तो ये पूर्वी, यहाँ पर अगर महाद्वीप होगा, इधर से पवन आ रही है, तो ये कहाँ बारिश करेगी, पूर्वी तटों पर, है ना, पूर्वी तटों पर बारिश करेगी, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ये 35 से 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों की। और अगर इससे ऊपर चले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चलती है पछुआ पवनें। अपन ने देखा था जब वायदा पेटियाँ पड़ी थी तो यहाँ पर कौन सी पवनें चलती है, पछुआ पवनें, यानी पश्चिम से आने वाली पवनें। तो यहाँ पर महाद्वीपों के कौन से किनारों पर बारिश ज़्यादा होगी, ये महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी किनारों पर बारिश ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे अंदर जाएंगी जो हवाएं, वो शुष्कता ग्रहण आर्द्रता त्यागती जाएगी, उनमें शुष्कता आती जाएगी, और फिर आगे बढ़ने पर यह वर्षा की मात्रा भी इनमें कम हो जाएगी। तो सीधा सा बात यह है कि 35 से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों की बात करें तब तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बारिश होती है, और अगर 45 से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवनें और निम्न अक्षांशों पर पूर्वी पवनें चलती हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो विषुवत रेखा पर बारिश ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर कम होती है, महाद्वीप के किनारों पर तटों पर ज़्यादा बारिश होती है आंतरिक भागों की तुलना में। तो ये था दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल, जो कंप्लीट हुआ। आगे अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।